नमस्कार, जनसत्ता देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र की सियासत में सूरत से आया तूफान अब असम तक पहुंचता नजर आ रहा है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे अपने समर्थित विधायकों के साथ असम की राजधानी गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में ठहरे हुए हैं। विधायकों की संख्या में लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। शिवसेना के नेता मुंबई से लगातार बड़े दाव तो कर ही रहे हैं, लेकिन सभी बागी विधायक अभी भी नॉट रीचेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति में ममता बनर्जी की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, जहाँ ऐसा घमासान मचा हो वहाँ भला ममता दीदी पीछे कैसे रहे। गुवाहाटी के जिस रेडिसन ब्लू होटल में एकनाथ शिंदे अपने बागी विधायकों के साथ ठहरे हुए हैं, उस होटल में बाहर अब टीएमसी के नेता धरना दे बैठे हैं। असम के टीएमसी प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा के नेतृत्व में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने होटल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। टीएमसी का यह प्रदर्शन असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ है। उनका कहना है कि जब असम में बाढ़ से 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की राजनीति में भरत दिलचस्पी क्यों ले रही है। महाराष्ट्र की सरकार गिराने में आखिर इनको इतना इंटरेस्ट, इतना मजा क्यों आ रहा है, जब असम में बाढ़ से 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित है, राहत बचाव कार्य वहां पे किसी तरह से लोगों को बचा पा रही है। तो इस पूरे मुद्दे पर टीएमसी की ममता दीदी जो है बढ़ चढ़ कर सामने आ रही है। टीएमसी नेताओं का यह प्रदर्शन जाहिर सी बात है कि असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ है, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और भी चल रही है। जानकारी के अनुसार अगर माने तो महाराष्ट्र में आई इस सियासी आंधी के बीच ममता बनर्जी ने शिवसेना के लिए मदद के हाथ बढ़ाए हैं। ऐसे में असम के टीएमसी नेताओं का यह प्रदर्शन उसी कड़ी का एक हिस्सा है। ममता बनर्जी लंबे समय से विपक्ष को साधने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में अब शिवसेना की मुश्किल हालात को देखते हुए ममता का ये जो मदद भरा हाथ है वो बढ़ाना एक नया दाव, एक नया खेला, एक नए खेल के रूप में देखा जा रहा है। ये महाराष्ट्र की सियासत में जो टीएमसी की एंट्री हुई है, ममता दीदी की एंट्री हुई है, इसे एक बड़े राजनीतिक खेल की तरह देखा जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी उठा पटक के बीच अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों के बीच वार पलटवार शुरू कर दिया है। उन्होंने फेसबुक लाइव के बाद गुरुवार को एकनाथ शिंदे ने एक चिट्ठी शेयर की। यह चिट्ठी संजय सियासत ने लिखी थी, मगर इसमें सभी विधायकों की भावनाएं बताई गई हैं। चिट्ठी में लिखा है, शिवसेना विधायकों के लिए आपका दरवाजा हमेशा बंद रहा था, आप इन विधायकों की सुनते ही नहीं थे। वही शिंदे हमेशा विधायकों की सुनते थे और आगे भी सुनेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र सियासत से जुड़ी पल टू पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना है जनसत्ता के साथ।